तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेकी टेकी में। तो आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर मंथ में लास्ट के कुछ दिनों में 25 से लेके 30 के बीच में एप्पल अपने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, जैसे कि आईपैड, आईपैड प्रो, आईपैड एयर, मैकबुक, ये सब लॉन्च करने वाला है। तो उसी का कुछ प्रोडक्ट मैं आपको जानकारियाँ दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा और कितने मिलेगी, उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, मतलब क्या क्या मिलेगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की अगली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोडक्ट है आईपैड 10th जनरेशन। ये एप्पल इस महीने अक्टूबर में लॉन्च करने वाली है। इसकी प्रोसेसर आपको A14 बायोनिक चिप के साथ देखने को मिलेगी। इसकी बेस वेरिएंट जो स्टार्ट होगा वो 64 GB के साथ स्टार्ट होगा। इसका डिज़ाइन जो पीछे जो आपने आईपैड 9th जनरेशन देखा उसी टाइप का रहेगा। इसमें आपको एक होम बटन भी मिलेगा, टच आईडी। डिस्प्ले इसकी 10.2 इंच रहने वाली है। इसकी प्राइस लगभग 31,000 के आसपास हो सकती है इंडिया में। तो जो आईपैड 9th जनरेशन यूज किए हैं वो 10th को भी कर सकते हैं अच्छे से, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, पर लेकिन ये 9th जनरेशन से 10th जनरेशन कुछ अच्छा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी दूसरे प्रोडक्ट की, आईपैड एयर। इसकी डिस्प्ले 11 इंच, डिज़ाइन वही आईपैड एयर जो पिछले 2021 में जो लॉन्च हुआ था वही रहेगा, मतलब डिज़ाइन सेम रहेगा। हाँ, इसमें पीछे टाइप सी पहले भी देखने को मिला था, टाइप सी अभी भी मिलेगा। M1 चिप के साथ आएगा ये। इसका प्रोसेसर M1 चिप, आप लोग सुने होंगे M1 M2। इसकी प्राइस लगभग इंडियन मार्केट में 70,000 के आसपास हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं आईपैड प्रो 6th जनरेशन। ये इसका डिस्प्ले 12.9 इंच, मतलब 12.9 इंच हो सकती है। M2 चिप के साथ आएगा ये। अभी जो मैंने पीछे बताया वो M1 चिप के साथ था और ये M2 चिप के साथ आएगा। इसमें भी आपको टाइप सी देखने को मिलेगी। इसका बेस वेरिएंट जो स्टार्ट होगा वो 128 GB से स्टार्ट होगा। प्राइस इसकी लगभग 1,00,000 के आसपास हो सकती है। अब मैं बताता हूँ मैकबुक एयर, ये M2 चिप के साथ आएगा। डिज़ाइन इसका सेम रहेगा जो 2021 मॉडल में था। इसकी डिस्प्ले 13.3 इंच के साथ आएगी। एक और इसका वेरिएंट आएगा जिसकी डिस्प्ले की साइज़ 13.6 मिलेगी। 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। इसकी प्राइस लगभग 1,20,000 को देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो ये चार चीज़ें जो अक्टूबर के लास्ट में आपको एप्पल लॉन्च करने वाला है। तो आप अगर आईपैड लेने की सोच रहे हैं या फिर इनका मैकबुक एयर लेने की सोच रहे हैं तो आप और कुछ दिन रुक सकते हैं, अच्छे प्राइस में ये अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस टाइप की आगे वीडियो और बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।